Hello everyone, welcome back to my channel. I am Satyam, your MFF guy. In this video, हम देखने वाले हैं मिस्टेरियो का जो लेटेस्ट यूनिफॉर्म आया है समर वाला, उसके साथ मिस्टेरियो कितना अच्छा है ऑन एलायंस बैटल लेजेंड्स। एलायंस बैटल एक्सट्रीम पे तो ऑलरेडी 8 मिलियन कर ही दे रहा है, अब एलायंस बैटल लेजेंड पे हम देखने वाले कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम जो टीम यूज कर रहे हैं वो है साइक्लॉप्स का लीड मिस्टेरियो विथ आयरन मैन सुपीरियर वाला। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कैरेक्टर्स है किसी में भी फ्रैक्चर नहीं है, तो ओनली आयरन मैन के पास फ्रैक्चर है, तो बाकी कोई भी कैरेक्टर जो है यहाँ पे वो रोअर कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे आयरन मैन यूज कर रहे हैं। बट जिनके पास ऑलरेडी मिस्टेरियो वो है सॉरी मैग्नीटो है उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी स्पीड कैरेक्टर के अंदर फ्रैक्चर करने वाला नहीं है, तो इसीलिए मतलब अभी मेरे पास तो कोई भी नहीं है एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आयरन मैन को ले रहा हूँ। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कितना स्कोर कर पाता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो मैच हमारा स्टार्ट हो गया है एंड अगेन यहाँ पे भी मिस्टेरियो पे बस ऑब्लिक्स है, प्रॉक ऑब्लिक्स। तो मिस्टेरियो का हम स्किल यूज करेंगे 6-3-5-4-5 एंड स्किल 2 दे के हम बस मतलब डॉज करेंगे ताकि अटैक से हम बच जाए, मतलब जितना हो सके कम माइनस स्कोर हो, ठीक है। तो उससे हमको थोड़ा देख के काम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बस एक प्रॉब्लम है, लेवल 70 कैरेक्टर है तो इसीलिए इग्नोर डॉज बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर हमको देख के काम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सब ठीक है। तो यहाँ पे हम आयरन मैन को जस्ट स्विच करके उसका जो रोअर कैंसिल है वो इफेक्ट कर लिए। अब अलायंस बैटल एक्सट्रीम पे ये रिसेट नहीं होता स्विच, बट यहाँ पे अलायंस बैटल लेजेंड पे हम वो स्विच करने के बाद जब भी रोअर कैंसिल करेंगे तो वो रिसेट हो जाता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 600 के हमारा स्कोर ऑलमोस्ट हो गया है, 800 के भी आ गया एंड अगेन बिना सीटीपी के एक नॉर्मल 200 का प्रॉक ऑब्लिक्स है उसको देके हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड ओके हमको बस यहाँ पे जो लास्ट टोटन माइट था वो ले लिया एंड 150 वाला फेज आ गया है एंड इस बार हमारा स्कोर थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब ए वाला फेज पे स्कोर ज्यादा होगा। बट रॉक ऑब्लिक से परफॉर्मेंस हो रहा है गाइस तो ये बहुत बड़ी बात है। बट हाँ एक चीज मैं फिर ये भी क्लियर कर दूं, मेरा कार्ड्स अच्छा है, अब जिनके पास पियर्स या कार्ड पे उतना इफेक्ट नहीं होगा उनको मे भी मतलब स्कोर ज्यादा करने में दिक्कत होगा, बट अगर कार्ड आपका भी अच्छा हुआ तो आपको भी बहुत मतलब हेल्प मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डॉज बहुत ज्यादा कर रहा है एनिमीज, ठीक है, क्योंकि लेवल 80 के लिए कंटेंट है वर्ल्ड बॉस अलायंस बैटल लेजेंड, बट लेवल 70 के हिसाब से डॉज बहुत मतलब ज्यादा हो जाता है। अब इग्नोर डॉज माइंड डैमेज इग्नोर डॉज एंड 200 का प्रॉक ऑब्लिक्स अगर मिस्टेरियो को देते हो तो उससे भी काम चलेगा। बट यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो अगेन हमने आयरन मैन को स्विच कर लिया एंड फ्रैक्चर देके वो रोअर कैंसिल कर लिया, तो सेकंड टाइम रोअर हमने कैंसिल कर लिया। अब हम आराम से यूज करेंगे ओनली मिस्टेरियो को क्योंकि अब हमको स्विच करने का जरूरत नहीं है। एंड जैसा कि एक देख सकते हो यहाँ पे एक क्विक मतलब टिप, जब भी वो सर्टर कोई भी अटैक करेगा तो अगर आपका जो स्किल का रोटेशन है जब 3-4-5 कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड स्किल देके वहां से भाग जाओ एंड तो आप हिट भी नहीं हो खाओगे, ठीक है, शटर से एंड ऊपर से कंटिन्यूअस डैमेज भी होगा, तो एक बढ़िया चीज है। कैरेक्टर एकदम फन टू प्ले है, कैरेक्टर का एनिमेशन एंड कैरेक्टर का डैमेज दोनों एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिलियन स्कोर हमारा ऑलमोस्ट हो गया। आयरन मैन विथ रेज हमने 4 मिलियन स्कोर किया है, बट विदाउट मिस्टेरियो उतना स्कोर नहीं होता एंड एक बहुत बड़ी बात है कि भाई एक सांस 750 का क्रिस्टल्स वाला यूनिफॉर्म है एंड ऊपर से इसको स्पेशली सपोर्ट बनाया है, बट सपोर्ट के साथ गॉडली डैमेज हम कह सकते हैं भाई। एंड 2.5 मिलियन स्कोर हमने कंप्लीट कर लिया एंड 2.5 मिलियन स्कोर करने पे ही आपको मिलता है वो आर्टिफैक्ट चेस्ट, मतलब जितने भी आपको प्रीमियम रिवार्ड्स मिलना था वो सभी आपको मिल जाता है 2.5 मिलियन स्कोर पे, तो ए स्कोर कर सकता है मिस्टेरियो ऑन अलायंस बैटल लेजेंड। तो गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो ऑन मिस्टेरियो, तो मैं बोलूंगा अगेन ए यूनिफॉर्म मस्ट बाय है। अगर आपके पास 1750 क्रिस्टल्स है तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आराम से यूनिफॉर्म ले लो एंड ऊपर से मिस्टेरियो एक फ्री कैरेक्टर है, इसके लिए आपको कोई भी क्रिस्टल स्पेंड नहीं करना पड़ता, तो वन टाइम 1750 क्रिस्टल स्पेंड करना एकदम वर्थ इट है। एंड ए यूनिफॉर्म अगर इवेंट खत्म हो गया समर सेल वाला देन नेक्स्ट ईयर आएगा, उससे पहले यूनिफॉर्म वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर आपके पास क्रिस्टल है तो जरूर जाके यूनिफॉर्म परचेस कर लीजिए, आपको मतलब वैल्यू फॉर क्रिस्टल्स आपका रहेगा एंड ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो यही था वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।